नमस्ते बच्चों, स्वास्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 3 और विषय हमारा इंग्लिश है। देखिए बच्चों, आज हम इंग्लिश में हमारा यूनिट है 15। कौन सा है? 15। सी इज ए गर्ल, यानी कि सी इज ए गर्ल यानी यह लड़की है, यानी कि लड़की के लिए जो वाक्य बोला जाता है वो कौन सा है बच्चों? सी इज ए गर्ल। लड़की हो, औरत हो या कोई भी हो जो स्त्रीलिंग में आता है, यानी उनके लिए क्या यूज होता है? सी यूज होता है। सी इज ए गर्ल। तो देखिए बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। याद रखें, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, ये याद रखना है कि सी इज ए गर्ल हम बॉय के लिए यूज करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए हम ही यूज करेंगे, यानी कि गर्ल के लिए सी इज ए गर्ल। तो आपको याद रखना है, किसी अन्य पुरुष या स्त्री के मौखिक निर्देश के लिए सी का प्रयोग होता है, यानी कि जो है अन्य पुरुष यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष यानी व्यक्ति जो हम बोलते हैं उनके लिए भी सी का उपयोग होता है। तो देखो बच्चों, हम पुरुष के लिए यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, हम किसके लिए यूज़ करेंगे? स्त्री के लिए यूज़ करेंगे, यानी उसके निर्देश, जो आप यहाँ खड़े हो और आगे आपके कोई लड़की खड़ी है तो आप क्या बोलोगे? सी इज ए गर्ल। क्या बोलोगे? सी इज अ गर्ल का उपयोग करोगे आप। सी के साथ इज क्रियापद का उपयोग होता है, यानी कि इज यानी है, इज के लिए हम है का उपयोग करते हैं, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? सी इज ए गर्ल। आपको समझ में आ गया बच्चों? ये याद आपको रखना है कि स्त्री के लिए या लड़की हो या कोई औरत हो तो उसके लिए हम सी का उपयोग करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, एक गर्ल यानी लड़की, गर्ल यानी लड़की। फिर है ये नर्स, नर्स यानी नर्स, हम उसे नर्स बोलते हैं, उसे नर्स ही बोलेंगे। फिर यहाँ पे गर्ल का जो स्पेलिंग है वो है GIRL, गर्ल, एक गर्ल यानी यहाँ पे हिंदी में आपको दिया है ये लड़की। फिर है प्यूपिल, ए प्यूपिल, PUPIL, ए प्यूपिल यानी विद्यार्थी, प्यूपिल यानी विद्यार्थी। आप भी एक क्या हो? विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, और ये नया शब्द है प्यूपिल, जो विद्यार्थी के लिए यूज करते हैं, जो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जो स्टूडेंट हम बोलते हैं वो आपने सुना है, लेकिन जो प्यूपिल है वो नहीं सुना होगा, इसलिए इसकी स्पेलिंग आपको रीड करनी है बच्चों। ए प्यूपिल यानी PUPIL यानी विद्यार्थी। ये नर्स, NURSE, नर्स, आपने देखी होगी ना, आप हॉस्पिटल में जाते हो आपको पहले कौन देखता है? नर्स देखती है। डॉक्टर देखते हैं क्या? नहीं, पहले हमें नर्स से मिलना पड़ता है, फिर बाद में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये नर्स, इसे भी सी का उपयोग होगा, है ना, इसे भी सी का उपयोग होगा। फिर है सी, वह यानी सी यानी वह, SHE, सी, सी यानी वह। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको चित्र दिया है, ये किसका चित्र है? लड़की का चित्र है। सी इज काला, सी इज काला, काला बोलेंगे इसे, ये कला बोलेंगे, तो आप ये गलती मत करना, ये काला नहीं है, ये कला है, समझ गए बच्चों? आप यहाँ पे बोल ऐसी आपको पढ़ने में गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये है नाम इसका कला, जो लड़की यहाँ पे खड़ी है उसका नाम है कला। सी इज ए गर्ल, ये लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? सी इज ए गर्ल। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक औरत दिखाई दे रही है, सी इज माया बेन, यानी कि ये इस जो औरत है यहाँ पे जो झाड़ू कर रही है इसका नाम क्या है? माया बेन। सी इज ए स्वीपर, यानी कि ये क्या है, क्या है बच्चों? स्वीपर, ये है झाड़ू वाली, स्वीपर को क्या बोलेंगे हम? झाड़ू, जो आपने देखे होंगे स्कूल में हमारे जो बहन होते हैं वो क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, तो इनका जो नाम है वो है माया बेन। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे नर्स का चित्र दिया गया है आपको, किसका चित्र दिया है बच्चों? नर्स। सी इज धारा, इसका नाम क्या है? धारा, जो नर्स का नाम है, सी इज ए नर्स, ये क्या है? नर्स है, इसका नाम है धारा। तो आपको जो स्पेलिंग यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, जो नर्स का नाम है, लड़की का नाम है, एक औरत का नाम है, वो सब आपको लर्न करने, यानी कि आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे एक लड़की यानी स्कूल की छात्र विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, है ना, सी इज
तो देखो बच्चों, ये जो विद्यार्थी है ये क्या है? पिपिल है। तो इसका नाम क्या है? सरला। सी इज सरला, सी इज ए पिपिल, यानी कि जो ये विद्यार्थी है इसके लिए यूज होता है सी, है ना, कि ये जो विद्यार्थी है स्कूल में जाती है, स्टूडेंट है, उसके लिए सी यूज होता है ना। तो ये जो लड़की है उसके लिए क्या हुआ है? सी इज ए पिपिल, है ना। चलिए आगे, टीचर है, आगे क्या है आपने तो पता चल गया होगा, यहाँ पे ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, टीचर हाथ में बुक पकड़े हुए खड़े हैं, तो कौन हो गई ये? टीचर है। तो इनका नाम है सी इज अलकाबेन। क्या है टीचर का नाम? अलकाबेन। सी इज ए टीचर, यानी कि ये कौन है? टीचर है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि जो यहाँ पे व्यक्ति आए हैं, पर्सन आए हैं, जो इसमें कौन सा वर्ड यूज होता है? सी होता है, यानी कि गर्ल हो, औरत हो, टीचर हो, नर्स हो या स्वीपर हो, उनके लिए सी यूज होता है। तो आपको ये क्या करना है बच्चों, जो मैंने आज ये पेज पढ़ाया है तो आपको सारे स्पेलिंग आपके नोटबुक में लिखने हैं, यानी कि कैसे लिखने हैं, देखिए यहाँ पे आपको शब्दार्थ यानी कि वर्ड दिए हैं, ए गर्ल, तो आपको ऐसे ही लिखना है बुक में, ए गर्ल लड़की, यानी कि आपको स्पेलिंग उसका याद करना है कि लड़की को गर्ल बोलते हैं लेकिन गर्ल का स्पेलिंग आपको आना चाहिए ना बच्चों, इसलिए आपको गर्ल का स्पेलिंग लिखना है। फिर यहाँ पे नर्स, नर्स का भी स्पेलिंग आपको याद करना है, बुक में दो बार लिखना है। फिर यहाँ पे ये पीपिल, यानी कि आपको ये नया शब्द आज सुनने को मिला तो ये भी आपको याद करना है। सी वह, यानी कि ये सारे शब्द आपको अच्छे से आपके बुक में लिखने हैं बच्चों। और यहाँ पे जो लड़की का नाम दिया है कला, वो लिखना है, माया बेन, स्वीपर है, और फिर यहाँ पे है धरा, फिर सरला, फिर अलका बेन, ये सारे नाम आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं बच्चों और याद करने हैं। जो आज हम चैप्टर पढ़े हैं यूनिट 15, हमारा जो यूनिट था 15 वो क्या था? सी इज ए गर्ल, यह लड़की है, यानी कि लड़कियों के लिए जो यूज होता है वो जो शब्द है कौन सा है? सी, यानी कि दूर खड़ी जो लड़की है उसको हम क्या बोलेंगे, यानी हम सारे फ्रेंड एक ग्रुप में खड़े हैं और वहाँ से एक सुंदर लड़की जाती है तो हम बोलेंगे सी इज ए गर्ल। तो आगे ऐसा हम बोलेंगे कि सी इज ए गर्ल, यानी कि इस लड़की को आप देखो, वो लड़की है, वो लड़की है, कितनी सुंदर है, हम ऐसा बोलेंगे। इसलिए आपको ये याद रखना है बच्चों कि कोई औरत हो, नर्स हो या लड़की हो या कोई स्टूडेंट हो लड़की, उसे क्या बोलेंगे? सी इज ए गर्ल, यानी कि सी का उपयोग हम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपको सारा आपके जो नोटबुक है आपकी इंग्लिश में, उसमें लिखना है बच्चों और याद करना है। जय गायत्री बच्चों।